नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ राजस्थान BSTC की कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे को बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी, एक और वीडियो से हमें सूचित करें, क्योंकि जो फॉरम है वो दोस्तों कम भरे गए हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहने वाली है और स्टूडेंट को बेनिफिट भी मिलने वाला है। कितने नंबर पर आपको दोस्तों कॉलेज मिलने के चांसेस हो जाएंगे, मैं मिनिमम यहाँ पर नंबर आपको बताने वाला हूँ। अगर आप कितने नंबर आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में दोस्तों, अगर आप BSTC के छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल पर आपको डेली लाइव क्लासेस भी BSTC की देखने को मिलती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम डेट की बात करूँ तो एग्जाम डेट दोस्तों आपकी फिक्स है 31 अगस्त है। हालांकि ये चेंज भी हो सकती है क्योंकि बीए वालों की एग्जाम भी हैं, लेकिन अभी तक जो आपकी एग्जाम डेट है वो 31 अगस्त ही है। अब मैं बात कर लेता हूँ डायरेक्ट दोस्तों आपकी कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ डिपेंड करती है दोस्तों आपकी दो चीज़ पर डिपेंड करती है, एक तो आपकी कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। अगर आपके ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो कट ऑफ भी ज़्यादा रुकती है, अगर कम फॉर्म भरे जाते हैं तो कम कट ऑफ रुकती है। और दूसरी डिपेंड करती है दोस्तों कि आपके दोस्तों इस बार कितनी कॉलेज की सीटें हैं। कॉलेज की सीटें अगर ज़्यादा होती हैं तो कट ऑफ कम रहती है, और सीटें कम होती हैं तो दोस्तों कट ऑफ ज़्यादा रहती है। ये यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कट ऑफ। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ फॉर्म के बारे में। तो पिछले साल 2020 में जो फॉर्म भरे गए थे दोस्तों वो 6 लाख से ऊपर थे, यानी कि लगभग 6.45 लाख के आसपास फॉर्म थे। इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों वो 4.47 लाख हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछली साल की अपेक्षा इस बार फॉर्म हैं 1.95 लाख फॉर्म कम भरे गए हैं, यानी कि 2 लाख फॉर्म कम भरे गए हैं। और 2 लाख फॉर्म कम किस लिए भरे गए हैं दोस्तों, क्योंकि इस बार जो है रीट L1 में BEd वालों को शामिल कर दिया। तो ऐसे में स्टूडेंट अब BEd की ओर ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, ना कि BSTC की तरफ। इसका फ़ायदा दोस्तों कहीं ना कहीं आपको हो सकता है और आपका BSTC में आराम से सलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी रहेगी दोस्तों कैटेगरी वाइज। जनरल कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके यहाँ पर 385+ भी स्कोर होता है तो आपको आराम से सीट है वो मिल जाएगी दोस्तों। OBC की बात करूँ तो OBC की जो मिनिमम कट ऑफ रहेगी वो दोस्तों 375 या फिर 70 तक आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर 375 या 70 तक आपके नंबर आते हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। EWS की बात करूँ तो EWS में 365+ और 368 पर आपका आराम से जो सिलेक्शन है हो जाएगा BSTC में। ये दोस्तों कि मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, इस बार कट ऑफ बहुत ही कम रहने की जो है यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि बहुत ही कम रहेगी कट ऑफ। और SC कैटेगरी की बात करूँ तो SC कैटेगरी में 355+ या 360 पर दोस्तों आपको आराम से कॉलेज है वो मिल जाएगी। ST कैटेगरी की जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी वो 342 रही थी, इस बार भी आपके 340+ पर आपको आराम से दोस्तों मेल फीमेल कैंडिडेट में कॉलेज है वो मिल जाएगी। MBC की बात कर लेता हूँ तो MBC की जो कट ऑफ रहती है OBC के लगभग बराबर रहती है, यानी कि 375+ या 380 के बीच अगर आपके नंबर है तो आराम से आपको सीट है वो मिल जाएगी। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी दोस्तों। जल्द ही दोस्तों आपकी जो है परीक्षा आयोजित होगी, इसको लेकर मैं मॉडल पेपर दोस्तों डालता रहता हूँ चैनल पर। आप जा सुबह और शाम आपको दोनों टाइम मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों में। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।